स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन करने से पहले बच्चों डेरिवेटिव क्वेश्चन कर रहे हैं, 5x + 5.2 जो आपके एनसीईआरटी बच्चों उससे रिलेटेड हम सम करेंगे। यहाँ से हम ये नहीं कहते कि आपको अक्सर 5.2 करा रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड हम यहाँ सम करा रहे हैं। तो सबसे पहले डेरिवेटिव करने से पहले टू बी रिमेंबर, ये पॉइंट रिमेंबर करने बहुत जरूरी है डेरिवेटिव निकालने से पहले, कौन सी होता है कॉन्स्टेंट। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों से जो राइट कॉर्नर में पॉइंट आप देख लीजिए, इट मस्ट रिमेंबर टू ऑल द स्टूडेंट्स द गिव पॉइंट्स द डेरिवेटिव ऑफ द कॉन्स्टेंट फंक्शन सी सी ऑफ द कॉन्स्टेंट फंक्शन यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर द डेरिवेटिव ऑफ द कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। एंड पॉइंट नंबर टू, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं, फंक्शन हमारे पास एक्स है और एक्स के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो बच्चों एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में वन आएगा। ओके बच्चों, तो लिखिए द डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज ऑलवेज वन। पॉइंट नंबर थ्री, द डेरिवेटिव एक्स पावर एन। तो सबसे पहले क्या आसान तरीका होता है बच्चों ये करने का, जो पावर होती है यहाँ पर, तो पावर आगे आएगी यहाँ एन, और एक पावर कब हो जाएगी वेरिएबल से, एक पावर कब हो जाएगी वेरिएबल क्या एक्स बच्चों, एक्स की पावर एन माइनस वन। ओके बच्चों, सबसे पहले पावर क्या लेंगे एन आगे, तो एन आगे लिखा जाएगा मल्टीपल के रूप में, एन एक्स की पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाई। फिर बच्चों जो फंक्शन एक्स है, एक्स का डायरेक्टिव यहाँ लेंगे, एक्स का डायरेक्टिव आपने किया बच्चों यहाँ पर क्या आएगा वन आएगा। ओके, और यहाँ पर एक्स का डायरेक्टिव वन क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बच्चों एक्स की पावर वन होता है, पावर क्या आएगी बच्चों मल्टीपल के रूप में आगे आएगी, यानी कि वन है, तो एक्स की पावर वन, एक पावर कम हो जाएगी बच्चों, तो इज इक्वल टू वन मल्टीप्लाई एक्स की पावर वन माइनस वन जीरो। एक्स की पावर जीरो को वन से मल्टीप्लाई बच्चों एक्स की पावर जीरो, और बच्चों किसी की पावर जीरो हो, किसी का भी एक्सटिमेटिव पॉइंट जीरो हो, तो उसका आंसर क्या आता है बच्चों वन आता है। ओके, तो इसीलिए हम बोलते हैं बच्चों कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, कि एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो वन होता है बच्चों। ओके, अब हम क्या करें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन, तो एन पावर है मल्टीपल के रूप में बन जाएगा एन, और एक पावर कम हो जाएगी एक्स बच्चों, इनकी एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगी, और अब फंक्शन का डायरेक्टिव करेंगे, फंक्शन क्या है एक्स बच्चों, और एक्स का डायरेक्टिव मैंने अभी भी पॉइंट नंबर टू में आपको बताया था वन होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे रिजल्ट क्या मल्टीप्लाई किया वन से, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी कि डायरेवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। पॉइंट नंबर फोर, डायरेवेटिव वन बाय एक्स, वन बाय एक्स का डायरेक्टिव कैसे करें बच्चों, यहाँ देखो सबसे पहले क्या तरीका है, इसको ऊपर ले जाइए, क्योंकि x की पावर वन है, जब पावर ऊपर जाएगी बच्चों तो माइनस हो जाएगी, यानी कि x की पावर माइनस वन। ओके बच्चों, जब ऊपर जाके x की पावर माइनस वन बन जाएगा, तब करेंगे डायरेवेटिव, पावर क्या माइनस वन, x की पावर एक कम हो जाएगी बच्चों, x की पावर माइनस वन माइनस वन, माइनस वन माइनस वन क्या होता है माइनस टू, यानी कि x की पावर माइनस टू, और फिर फंक्शन क्या x, x का डायरेवेटिव करता है वन, जैसे पॉइंट नंबर टू में आपने किया था, इसको सिंपलीफाई किया मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास माइनस x की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस टू। अब बच्चों क्योंकि पावर माइनस में है, जब नीचे आएगी तो फिर दोबारा प्लस हो जाएगी, इनको इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस वन बाय एक्स की पावर टू, क्योंकि बच्चों वैरियन को मैंने नीचे लिख लिया, जब वैरियन को नीचे लगा जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, अगर वैरियन को ऊपर लेंगे तो पावर भी नेगेटिव हो जाएगी बच्चों। ओके, अब लेते हैं पॉइंट नंबर फाइव, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, फंक्शन हमारे पास एफ एक्स है, वही फंक्शन होता है वाई बच्चों, हाँ जी, तो इसका डायरेक्टिव इसको हम यहाँ को फंक्शन की मल्टीप्लाई सी के साथ, सी कोई कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट है बच्चों हमारे पास, सी इज एनी कोएफिशिएंट व्हिच इज मल्टीप्लाई ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, तो क्या करें बच्चों, ये जो कोएफिशिएंट सी है ये डायरेक्टिव से बाहर लिखा जाएगा, यानी कि इसको लेंगे हाँ जी डायरेवेटिव ऑफ सी एफ एक्स, तो सी आगे लिखे बच्चों डायरेक्टिव से पहले, यानी कि सी कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन सी डायरेवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन यानी एफ एक्स, इसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा। पॉइंट नंबर सिक्स, पॉइंट नंबर सिक्स क्या है, डायरेवेटिव ऑफ यू वी बच्चों, यू और वी कोई दो फंक्शन है, यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ एक्स बच्चों, यू और वी कोई दो फंक्शन है, तो एक्स से फंक्शन है, यानी कि यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ यू एंड वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, हाँ जिसको कैसे ओपन करेंगे, इसको एक्सपेंड किया जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स। पॉइंट नंबर सेवन, अब ये बच्चों सम ऑफ द टू फंक्शन, पॉइंट नंबर सेवन क्या है, डिफरेंस ऑफ द टू फंक्शन, ये दोनों ही फंक्शन एक्स के बच्चों यहाँ पर, तो डेरिवेटिव निकाल लेंगे, डायरेवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इंटू यू माइनस वी, तो बच्चों सेपरेट करेंगे डायरेवेटिव को, डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, दोनों को सेपरेट के रूप में लिखा जाएगा, जैसे पॉइंट नंबर सिक्स के हाँ जी फंक्शन को सेपरेट की फॉर्म में यहाँ लिखा था, ये प्लस के रूप में बच्चों, और ये डिफरेंस ये लिखा माइनस की फॉर्म में लिखा जाए बच्चों। ओके, अब आप जो जो हाँ देख रहे हैं बच्चों, स्टार वाला सिंबल है, स्टार वन और स्टार टू, और उसके बाद जो स्टार नंबर ये थ्री आप बच्चों, ये लास्ट में बाद में बताएंगे, सबसे पहले बच्चों तीन जब मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई, एक पॉइंट बताए अभी, सात पॉइंट बच्चों उनसे जो रिलेटेड बच्चों में सम करेंगे, आपको दो सम यहाँ दिए गए, यहाँ देखो सबसे पहले हमारे पास डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
हाँ जी, फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स, यानी कि स्क्वायर रूट एक्स आप बोल सकते हैं बच्चों उसको। हाँ, इसका डायरेक्टिव निकालना है, रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना बच्चों। तो फंक्शन क्या हमारे पास, ये गिवन फंक्शन है, इसका इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि इसका डायरेक्टिव निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना बच्चों। हाँ जी, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन सारे कंप्लीट के डिवाइड अंडर रूट एक्स, इसको सेपरेट लेंगे बच्चों यहाँ पर। हाँ जी, क्योंकि अंडर रूट एक्स बच्चों स्क्वायर रूट एक्स है ये, तो ये क्या है, सभी का सभी के डिवाइड में न्यूमरेटर की हर एक टर्म, न्यूमरेटर की हर एक टर्म के डिवाइड में बच्चों, तो उसको सेपरेट के रूप में लिखा जाए बच्चों। हाँ जी, सेपरेट फ्रैक्शन लिखेंगे यहाँ पर, सेपरेट फ्रैक्शन कैसे बन जाएंगे इसके, एक्स के डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस एक्स टर्म वाइज लेंगे बच्चों यहाँ पर। ओके, फिर क्या है, एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस वन बाय अंडर रूट एक्स, अगर इसका एलसीएम में लेना चाहूँ तो क्या है बच्चों, अंडर रूट एक्स और न्यूमरेटर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इनके भाई सेम वही नंबर बन जाएगा, सेम एक्सप्रेशन बन जाएगा पहले वाला। तो मैंने इसको क्या किया, सेपरेट कर दिया, सेपरेट फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया बच्चों। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको क्या, इसको पावर को एक्सपेंड करें यहाँ पर, एक्स के डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स, या स्क्वायर रूट एक्स का मतलब होता है बच्चों पावर वन बाई टू। ओके, तो बच्चों हमारे पास ये सर्ड है, इसको एक्सपोनेंट के रूप में लिखा जाएगा सर्ड। ओके, ये क्या है बच्चों, आपकी ये सर्ड है, स्क्वायर रूट के रूप में है, इसको पावर के रूप में, इनके एक्सपोनेंट के रूप में लिखेंगे बच्चों। हाँ जी, तो इसको एक्सपोनेंट क्या बनेगा, हाँ जी, जो स्क्वायर रूट एक्स का एक्सपोनेंट क्या क्या बनेगा, एक्स की पावर वन बाई टू, एक्स की पावर वन बाई टू, एक्स की पावर वन बाई टू। ओके बच्चों, सभी का डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अब क्या करें बच्चों, दोनों के सेम बेस सेम है, ऐसा मैंने क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि क्या देखो बेस सेम है, यहाँ भी क्या है एक्स, एक्स की पावर टू या एक्स की पावर वन बाई टू। हाँ जी, दूसरा जो दूसरी टर्म क्या है, सेकंड टर्म एक्स, एक्स की पावर वन बच्चों, आप एक्स की पावर वन, एक्स की पावर वन का मतलब एक्स ही होता है बच्चों, डिवाइड बाय एक्स की पावर वन बाई टू प्लस वन बाय एक्स की पावर वन बाय टू। हाँ जी, तो क्या करें बच्चों, ऊपर ले जाएंगे क्योंकि बेस सेम है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू, पावर पॉजिटिव, ऊपर जाके क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव हो जाएगी पावर, माइनस हो जाएगी प्लस एक्स की पावर वन। अब ये भी यहाँ भी क्या है, बेस सेम दोनों के, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के, तो क्या बेस सेम है, तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, हाँ जी बच्चों प्लस, अगर देखो नीचे वाली है तो पावर प्लस किया है तो बच्चों ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, अगर नीचे वाले कारण की पावर, क्योंकि बेस सेम है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। ओके बच्चों, तो यहाँ पॉजिटिव पावर है, सेम बेस है, तो पावर माइनस की हो जाएगी बच्चों ऊपर जाके प्लस। फिर एक्स की, यहाँ देखो बच्चों यहाँ की वन मल्टीपल, तो एक्स की पावर माइनस वन बाई टू जाएगी, क्योंकि वन मल्टीप्लाई बच्चों, और एक्स की पावर माइनस वन बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों वन से, तो सेम वही एक्स की पावर माइनस वन बाई टू आएगा, ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाएगी बच्चों। ऐसा क्यों किया, ताकि हमारे लिए डायरेक्टिव निकालना ईजी हो जाए, इसलिए क्या बच्चों हमने सभी वेरिएबल को ऊपर कर लिया है। ओके, हाँ जी, अब इसको डायरेक्टिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टर्म वाइज एक्स की, यहाँ देखो एक्स की पावर थ्री बाई टू, इसको सिंप्लीफाई करो सबसे पहले, एलसीएम क्या है इसका टू, टू आ टू टू जा फोर माइनस वन, फोर माइनस वन थ्री बाई टू, प्लस एलसीएम क्या है टू, टू वन जा टू, टू माइनस वन वन बाई टू, प्लस यहाँ क्या है ओनली एक्स की पावर माइनस वन बाई टू। डायरेक्टिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, थ्री बाई टू एक्स की पावर, जब भी डायरेक्टिव करेंगे तो हम प्रॉपर्टी नंबर थ्री का यूज करें बच्चों, वी यूज प्रॉपर्टी नंबर थ्री, पॉइंट नंबर थ्री क्या बच्चों, एक्स की पावर एन, या पावर एन कुछ भी हो सकता है। हाँ, यहाँ देखिए ये सभी क्या है एन की फॉर्म में है, यहाँ पर एन का मतलब क्या, थ्री बाई टू, वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, एन हमारे पास कोई भी क्या बच्चों नंबर हो सकता है। तो इसको कैसे एक्सपेंड करें, डायरेक्टिव कैसे निकालें इसका, एन एक्स की पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाई वन। हाँ जी, तो इसको सिंप्लीफाई किया, क्योंकि एक पावर कम हो जाएगी, एन के एन को मल्टीप्लाई के रूप में लेंगे, एक्स की पावर एक पावर कम हो जाएगी एन माइनस वन, और एक्स का, हाँ जी एक्स का क्या होता है, एक्स का डायरेक्टिव क्या होता है, वन होता है, तो मल्टीप्लाई किया एन एक्स बाय एन माइनस वन रिजल्ट बन जाएगा। तो ये हम पॉइंट नंबर थ्री यहाँ पर यूज कर रहे हैं। हाँ जी, थ्री बाई टू एक्स की पावर एक पावर का मतलब थ्री बाई टू माइनस वन, और एक्स क्या है वेरिएबल, एक्स का डायरेक्टिव करेंगे, फंक्शन का डायरेक्टिव, फंक्शन क्या एक्स, या पॉइंट नंबर टू यूज किया, एक्स का डायरेक्टिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वन होता है। हाँ जी, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, उसके बाद फिर क्या पावर क्या है वन बाई टू, यहाँ एन का मतलब वन बाई टू है, वन बाई टू वेरिएबल क्या एक्स, एक पावर कम हो जाएगी। ओके, वी यूज पॉइंट नंबर थ्री, तो यहाँ पर क्या है एक्स की पावर वन बाई टू माइनस वन मल्टीप्लाई वन प्लस, क्योंकि एक्स क्या है एक्स का डायरेक्टिव होता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे प्लस। अब क्या है देखो नेक्स्ट टर्म क्या है, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म है एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू पावर आगे लेंगे बच्चों मल्टीप्लाई के रूप में, एक्स की पावर एक पावर कम करेंगे माइनस वन बाई टू माइनस वन। ओके बच्चों, और फिर फंक्शन का डायरेक्टिव करेंगे, फंक्शन क्या एक्स, एक्स का डायरेक्टिव कब वन होता है। हाँ जी, अब उसको सिंप्लीफाई जाके बच्चों डायरेक्टिव हमने निकाल लिया, अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, थ्री बाई टू एक्स की पावर एलसीएम टू आ बच्चों, टू वन जा टू, थ्री माइनस टू, थ्री माइनस टू क्या वन बाय टू आएगा एलसीएम लेने के बाद सोल्व करने बच्चों। ओके, फिर वन बाय टू सेकंड टर्म क्या है, वन बाय टू ये मल्टीपल है एक्स का बच्चों, एक्स की पावर एलसीएम क्या टू, टू वन जा टू यानी कि वन माइनस टू डिवाइड बाई टू, क्योंकि माइनस की आती है बच्चों, तो माइनस वन बाय टू आएगा। फिर माइनस, क्योंकि प्लस की माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है बच्चों, वन बाय टू एक्स की पावर, यहाँ तक माइनस वन बाय एलसीएम टू है, एलसीएम टू, टू वन जा टू माइनस वन माइनस का वन और माइनस का टू, तो माइनस का थ्री बाई टू हो जाएंगे बच्चों, तो इसको माइनस का थ्री बाई टू लेंगे बच्चों।
हाँ जी, उसके बाद फिर आगे इसको सिंपलीफाई करेंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ भी अपने क्वेश्चन को रोक सकते हैं, यहाँ तक भी अगर आपने थोड़ा और सिंपलीफाई करना बच्चों तो थोड़ा सा और आगे सिंपलीफाई कर सकते हैं। ओके, 3/2 एक्स की पावर 1/2 प्लस, हाँ जी 1/2, बच्चों देखो ये पावर एक्स की पावर माइनस किया है। अगर मैं इसको एक्स की पावर पॉजिटिव करना चाहता हूं तो ये नीचे आएगी, इसको डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे बच्चों, और डिनोमिनेटर के रूप में लिखने पर ये पावर क्या बन जाएगी, एक्स की पावर पॉजिटिव बन जाएगी नीचे आने पर। ओके बच्चों, माइनस फिर इसको भी क्या है क्योंकि पावर ऊपर नेगेटिव एक्स की, अगर मैं इसको भी पॉजिटिव के एक्स की पावर पॉजिटिव रूप में लिखना चाहता हूं तो इसको भी डिनोमिनेटर रूप में लेंगे, नीचे आएगा बच्चों एक्स, यानी कि 1/2 एक्स की पावर 3/2। ओके, तो ये प्लस ही बन जाएगी नीचे आने पर। नेक्स्ट, अगला स्टेप में क्या, नेक्स्ट स्टेप में अगर 3/2 एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/2 एक्स की पावर 1/2, ये दोनों टर्म फर्स्ट सेकंड टर्म दोनों सेम है, हाँ जी थर्ड टर्म को लेंगे थोड़ा सा एक्सपेंड करके, माइनस 1/2 एक्स की पावर 3/2। एक्स की पावर 3/2 का मतलब बच्चों, हाँ जी क्या है, 1 एंड 1/2, यानी कि क्या बच्चों 1 एंड 1/2 यानी कि पावर 1, देखो एक्स की पावर 1 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 3/2 को, एक्स की पावर 3/2 को लिख सकता हूं एक्स की पावर 1 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1/2, क्योंकि बेस सेम है, एलसीएम लेंगे 2 2 1 2 प्लस 1 3/2, वही सेम 3/2 आएगा। ओके, और इसको 3/2 को एक्सपेंडेड को एक्सपेंडेड फॉर्म में लेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 1 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1/2, तो उसको बच्चों ऐसे लिख देना एक्सपेंडेड फॉर्म में ओपन करके। ओके बच्चों, पावर को आगे आएगा 3/2। नेक्स्ट स्टेप में एक्स की पावर 1/2 का मतलब क्या बच्चों, एक्स की पावर 1/2 जैसे आप यहां देख रहे हो बच्चों, यहां पे देखो अंडर रूट स्क्वायर रूट एक्स की पावर क्या है, यहां पर अंडर रूट एक्स या स्क्वायर रूट एक्स का मतलब था बच्चों पर की पावर 1/2, यहां देखो स्क्वायर रूट एक्स का मतलब था बच्चों 1/x की पावर 1/2, और यहां पर स्क्वायर रूट एक्स का मतलब था बच्चों 1/2। जब एक्स स्क्वायर रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2 हो सकता है, तो एक्स की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट एक्स ही होता बच्चों, तो इसको दोबारा फिर सरल रूप में लिख लेंगे, इसको पावर रूप में लिख, इसको सरल रूप में क्या स्क्वायर रूट के रूप में इसको लिखा जाएगा, यानी एक्स की पावर 1/2 का मतलब बच्चों अंडर रूट एक्स प्लस, जहां भी एक्स की पावर 1/2 वहां पर क्या लेंगे अंडर रूट एक्स यानी स्क्वायर रूट एक्स लिख देंगे बच्चों। ओके, ये पावर रूप में और ये सरल रूप में बच्चों 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 1/2 एक्स, यानी एक्स बच्चों एक्स की पावर 1/2 का मीनिंग होता है बच्चों अंडर रूट एक्स यानी कि स्क्वायर रूट एक्स। ओके बच्चों, तो आपका क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हुआ, आप चाहे तो क्वेश्चन यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा और अगर आपने इसको एक्सपेंड करना है ओके तो आप दो तीन स्टेप और एक्स्ट्रा लिख सकते हैं बच्चों। ओके, तो आप करेंगे पार्ट नंबर टू। पार्ट नंबर टू में क्या बच्चों, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ये दो तरीकों से निकाला जा सकता है बच्चों। एक तो क्या है, यू वाई वी फॉर्म से इसको निकाल सकते हैं बच्चों, यू वाई वी जैसे देखो ये स्टार यहाँ देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर मैंने कराया प्रोडक्ट फॉर्म से बोलते हैं, यू वी फॉर्म क्या बोलते हैं, यू वी फॉर्म क्या बच्चों, यानी कि इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ओके, जब हमारे पास दो फंक्शनों की प्रोडक्ट दी गई हो उसका डेरिवेटिव क्या कैसे निकालें बच्चों, तो वी यूज दिस मेथड, हम इस मेथड का यूज करेंगे, इसे कहते हैं बच्चों यू वी फॉर्म या प्रोडक्ट फॉर्म, इसको हम से कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को ये फर्स्ट फंक्शन है बच्चों, यू फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, वी को सेकंड फंक्शन मानेंगे बच्चों। ओके, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि यू एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का मतलब है यू। ओके, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का मतलब बच्चों वी प्लस, अब क्या है सेकंड फंक्शन एज इट इज यानी कि वी एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि यू। ओके बच्चों, तो हम इस टाइप से इसको क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर विदाउट प्रोडक्ट फॉर्म करना चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं विदाउट प्रोडक्ट फॉर्म के। ओके बच्चों, तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या है विदाउट प्रोडक्ट फॉर्म इसको कर रहे हैं, इनके डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं जैसे आपने फर्स्ट पार्ट किया बच्चों, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालने का क्या फॉर्मूला था बच्चों, विदाउट फॉर्मूले के, इसकी सिंपल सी बात बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों की करेंगे सबसे पहले दोनों फंक्शनों की आपस में मल्टीप्लाई करें बच्चों यहाँ पर। ओके, तो फंक्शन किया कि सबसे पहले हमने क्या कर लिया बच्चों, मल्टीप्लाई कर लिया इनके दोनों की प्रोडक्ट हमने यहाँ पर कर लिया बच्चों, तो दोनों फंक्शनों की प्रोडक्ट करने के बाद फंक्शन हमारे पास ये बन जाएगा जैसे आप देख रहे हैं एक्स पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1/x माइनस 1/x पावर 3। अब सेपरेट हर एक टर्म का क्या निकालें बच्चों, डेरिवेटिव निकालें यहाँ पर एक्स पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डेरिवेटिव एक्स प्लस, फिर डेरिवेटिव एक्स पावर ऊपर जाके माइनस ही बन जाएगी एक्स पावर माइनस 1 फिर माइनस एक्स पावर माइनस 3। हाँ जी, अब 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 फिर प्लस, यहाँ देखो बच्चों x की क्योंकि पावर 3 है, हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं 3 एक बार कब हो जाएगी यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का डायरेटिव क्या होता है पार्ट नंबर 2 क्या कहता है 1, x का डायरेटिव 1 है माइनस, फिर x का डायरेटिव क्या 1 प्लस, यहाँ देखो x की पावर माइनस 1, यहाँ देखो पॉइंट नंबर बच्चों यहाँ मैं पॉइंट नंबर 4 यूज कर रहा हूँ, यहाँ देखो पॉइंट नंबर 4 क्या, जो मैंने यहाँ देखो अलग से मैंने फॉर्मूले बनाए बच्चों ने पॉइंट बनाए हैं राइट साइड आप देख रहे हो बच्चों टू बी रिमेंबर पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7। ओके बच्चों, इनमें से कोई कोई पॉइंट यहाँ पर यूज हो रहा है, हाँ जी, तो यहाँ पॉइंट नंबर 4 यूज करेंगे, डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू 1/x का, तो क्या फॉर्मूला है
हाँ जी, ये पावर ऊपर जाएगा बच्चों, ऊपर जाके एक्स पावर माइनस वन बन जाएगी, डेरिवेटिव निकाला ओके बच्चों, तो क्या आएगा पावर आ जाएगी माइनस वन, फिर वेरिएंट में से एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि माइनस वन और माइनस वन एक्स पावर माइनस टू हो जाएगी, और फिर एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन, डेरिवेटिव नंबर पॉइंट नंबर वन टू यूज किया यहाँ पर, इसको सिंपलीफाई किया, यानी कि एक्स एक्स की पावर एक्स की माइनस, आगे सिंपल माइनस माइनस एक्स की पावर माइनस टू, तो बच्चों माइनस वन, और क्योंकि एक्स की पावर नेगेटिव है बच्चों तो नीचे आएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी, डिनोमिनेटर ग्रुप में इसको लेंगे तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ओके बच्चों, अगर इसको फ्रैक्शन ग्रुप में लेना चाहता हूं तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ओके पी बाई ग्रुप में इसको मैंने लिख दिया है, तो आप वही पॉइंट में यहां यूज कर रहा हूं, यहां देखो एक्स की पावर वन बाई एक्स को लिखता हूं एक्स की पावर माइनस वन, यहां देखिए अब इसका डायरेक्ट निकाला क्या बच्चों, इसका डायरेक्ट हमने निकाला माइनस वन, और एक पावर कम हो जाएगी एक्स की पावर माइनस टू, और एक्स का डायरेक्ट देता है वन, फिर माइनस, हाँ जी ये माइनस का सिंबल बच्चों, फिर अब देखो एक्स की पावर माइनस थ्री, एक्स की पावर माइनस थ्री को लिखा जाएगा मल्टीपल के रूप में माइनस थ्री, एक्स की पावर एक कम हो जाएगी माइनस थ्री माइनस वन तो माइनस फोर, यानी कि एक्स की पावर माइनस फोर, फिर निकाल लेंगे फंक्शन का डायरेक्टिव, फंक्शन का एक्स, एक्स का डायरेक्टिव का वन, इसको सिंपलीफाई करेंगे, डायरेक्टिव हमने निकाल दिया, अब क्या करना है जस्ट इसको सिंपलीफाई करना है, हाँ जी सिंपलीफाई कैसे करेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर मतलब थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर बच्चे याद रखेंगे क्योंकि प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है, एक्स की पावर माइनस टू, ओके बच्चों, हाँ जी एक्स की पावर माइनस वन से मल्टीप्लाई करना सेम नंबर आएगा, ओके बच्चों, तो कि प्लस की माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, तो एक्स की पावर माइनस टू, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स की पावर माइनस फोर, और थोड़ा सिंपलीफाई किया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस, क्योंकि पावर नेगेटिव है बच्चों, इसे नीचे लेंगे, जब इसको नीचे लेंगे एक्स की पावर माइनस टू को तो पॉजिटिव बन जाएगी पावर, नीचे आगे वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस, ये भी नेगेटिव पावर बच्चों एक्स की पावर माइनस फोर, इसको भी पॉजिटिव पावर लिखने के लिए इसको भी नीचे आना पड़ेगा, यानी कि थ्री बाय एक्स की पावर फोर, ओके बच्चों, ये इंडिसेस आपकी पॉजिटिव बन गई है नेगेटिव की बजाय, और ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके बच्चों, अब देखो हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म की और क्वेश्चन फॉर्म की, इस क्वेश्चन को बच्चों हम प्रोडक्ट फॉर्म से भी कर सकते हैं, देखो इसमें मैंने दोबारा रिपीट करें यहां पर, ओके ये फर्स्ट फंक्शन यू क्या फर्स्ट फंक्शन, वी क्या सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन मतलब यू ले रहा हूं बच्चों में और सेकंड फंक्शन को मैं वी लेके चल रहा हूं, ओके दूसरा पार्ट क्या है फार्मूला नंबर टू क्वेश्चन फॉर्म, क्वेश्चन फॉर्म या फ्रैक्शन फॉर्म आप कह सकते हैं बच्चों यू बाय वी फॉर्म, ओके बच्चों यू बाय वी फॉर्म कह सकते हैं, यू बाय वी फॉर्म क्या है ये आपकी क्या बच्चों ये क्वेश्चन फॉर्म है या इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है बच्चों, ओके यानी कि रैशनल फॉर्म में हम इसको लिख देंगे यू बाय वी के फॉर्म इसको हम लिख देंगे बच्चों, ओके और ये फार्मूला कैसे बनेगा इसका, इसका फार्मूला बनेगा बच्चों डेरिवेटिव ऑफ यू बाय वी यानी कि डेरिवेटिव क्वेश्चन फॉर्म, इसमें क्या बनेगा इसका फार्मूला और आप याद कर लीजिए बच्चों क्या बनेगा इसका, ये फर्स्ट फंक्शन डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन क्या क्या ले रहा हूं वी, वी क्या हमारा सेकंड फंक्शन और यू क्या आपका फर्स्ट फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन का स्क्वायर यानी कि वी का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का मतलब फर्स्ट वी, ओके वी को फर्स्ट वी क्या आपका सेकंड फंक्शन बच्चों, तो वी एज इट इज सेकंड फंक्शन एज इट इज का वो सेम ऐसे कैसे लिखा था बच्चों, डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट फंक्शन का यानी कि यू का, फिर माइनस प्रोडक्ट फॉर्म में प्लस का सिंबल आएगा लेकिन क्वेश्चन फॉर्म में माइनस का साइन आएगा बच्चों यहां पर, फिर क्या लेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि यू एज इट इज और डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन यानी कि वी, ओके डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन फॉर्म का फार्मूला है, ओके बच्चों तो इन दोनों फार्मूले से हम आगे आपको सब निकालना सिखाएंगे बच्चों, तो इन फार्मूले के बारे में लर्न कर लीजिए बच्चों, और लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू, ओके बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर वन के टू पार्ट किए हैं, क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट सेकंड पार्ट सोल्व किया, अब लेंगे क्वेश्चन नंबर टू, नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट, लेट वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री इन टू अंडर रूट एक्स, यहां पर बच्चों दो फंक्शन दिए गए हैं, जब दो फंक्शन दिए गए बच्चों तो हम क्या उसको प्रोडक्ट फॉर्म या यूवी फॉर्म से सोल्व कर सकते हैं बच्चों, जैसे कि मैंने इसे पहले आपको फॉर्मूला कराया बच्चों यूवी फॉर्म का, हाँ जी क्या होता है वो दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूवी फॉर्म क्या होता है बच्चों यानी कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है या यूवी फॉर्म क्या होती है, सुनिए ध्यान से, ओके बच्चों डेरिवेटिव ऑफ क्या लेंगे बच्चों प्रोडक्ट टू फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन बच्चों, ओके अब फर्स्ट फंक्शन यू को ले रहा हूं बच्चों और सेकंड फंक्शन हम वी को अज्यूम कर रहे हैं सपोज कर रहे हैं बच्चों, ओके तो करते हैं क्वेश्चन नंबर वन, अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल या यूवी फॉर्म वी हैव, इसको बच्चों ये जो फंक्शन है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस को मैंने क्या मान लिया इसको लेट वाई मान लिया बच्चों, ओके इसको कंप्लीट को प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को वाई मान लिया तो वाई का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव निकालने का मतलब बच्चों की डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, हाँ जी करते बच्चे यहां देखिए डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू बोथ साइड बच्चों डेरिवेटिव निकालने पर निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ओके बच्चों क्या निकालेंगे क्या होता है रूल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज
फर्स्ट फंक्शन क्या आता है यहाँ पर 2x प्लस 3 और सेकंड फंक्शन क्या ज्यूम करेंगे अंडर रूट x। तो बच्चों फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि 2x प्लस 3 एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन यानी कि अंडर रूट x या स्क्वायर रूट x आपसे कह सकते हैं प्लस अब बच्चों सेकंड फंक्शन एज इट इज यानी कि स्क्वायर रूट x और डेरिवेटिव द फर्स्ट फंक्शन यानी कि 2x प्लस 3। हां जी तो डेरिवेटिव कैसे निकालने वो सिंपल है। ये तो बच्चों क्या है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है, फर्स्ट फंक्शन का कोई डेरिवेटिव नहीं निकालना है, मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव हमने निकाला बच्चों। तो अंडर रूट एक्स यानी कि स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, याद देखिए मैंने रीजन दिया ओके, इसका क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए। हां जी क्या आएगा अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स। ओके बच्चों ये मैंने पहले भी पढ़ा है, ये कैसे है बच्चों देखो डायरेक्ट हमने लर्न करना है, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स होता है बच्चों ओके। और ये कैसे बना देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसको अंडर रूट एक्स को लेंगे पावर रूट में 1/2 बच्चों, क्या है पावर आ गया आगे तो इसका डायरेक्ट निकालूंगा मैं एक्स की पावर 1/2 अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है एक्स की पावर 1/2 होता है। तो वन कैसे डायरेक्टली आया सोचो 1/2 पावर आगे आएगी ओके। तो ये 1/2 जो पावर हो क्या बन जाएगा एक्स का वो मल्टीपल बन जाएगा और एक्स की पावर जो पावर गिवन थी बच्चों उसमें एक पावर क्या एक नंबर माइनस हो जाए बच्चों ओके। हाँ जी तो एक नंबर माइनस करेंगे 1/2 में से तो बच्चों माइनस का 1/2 आएगा बच्चों, यानी कि 1/2 माइनस 1 एलसीएम क्या 2 तो 1 माइनस 2 क्या माइनस 1/2 आएगा बच्चों इज इक्वल टू 1/2। अब ये x की पावर नेगेटिव बच्चों, अगर मैं x की पावर पॉजिटिव लेना चाहता हूँ तो एक है नीचे आएगा बच्चों x की पावर क्या है बच्चों x की पावर यहाँ देखो 1/2 x की पावर प्लस की बन जाएगी 1/2 ओके बच्चों। तो दोबारा कीजिए 1/2 और बच्चों x की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट x यानी कि स्क्वायर रूट x होता है। x की पावर 1/2 का मीनिंग क्या होता है अगर मैं इसको सरल रूप में लिखना चाहता हूं तो इसे अंडर रूट एक्स यानी कि स्क्वायर रूट एक्स। तो इसलिए बच्चों हम कह देंगे कि डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स यानी कि स्क्वायर रूट एक्स ओके बच्चों। तो आप इतना सिंपलीफाई करने के लिए आप इसको डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं ओके बच्चों, क्योंकि पेपर में इतना टाइम होता है कि आप इसको 1/1 ऐसे स्टेप बाय सॉल्व करेंगे तो क्या करें आप इसको डायरेक्ट लर्न कर लीजिए। और क्या आपका इसका फॉर्मूला अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स। और यहाँ कैसे बच्चों ये मैंने ऊपर आपको ब्रीफली छोटा बता दिया एक्सप्लेन करके ओके बच्चों। हाँ जब आगे देखिए यहाँ पर और साथ में ये मैं ये भी बता देता बच्चों कि ए डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब ए ए क्या है ए तो कोफिशिएंट है बच्चों एक्स का एक्स वेरिएबल का प्लस बी बी क्या कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो ओके बच्चों। अब क्या लेंगे देखो ये मैंने प्रॉपर्टी नंबर आपको 5 बताई बच्चों क्योंकि जो कोफिशिएंट है बच्चों आगे लिखा जाएगा सी क्या ए ओके बच्चों डेरिवेटिव क्या एक्स और ये कांस्टेंट है बच्चों कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो होता है तो ए और बच्चों एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 तो ए बन जा ए। तो इसका आंसर क्या है बच्चों ए आएगा जैसे कि आप यहां देख रहे बच्चों। हाँ जी अब यहां देखिए डेरिवेटिव निकालेंगे 2x प्लस 3 2 क्या है कोएफिशिएंट एक्स का तो कोएफिशिएंट को आगे लेंगे एक्स का डेरिवेटिव करेंगे एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस में 3 क्या है कांस्टेंट कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 यानी कि 2 बन जा 2 प्लस 0 तो क्या आएगा 2 आएगा बच्चों। तो अब यहां 2 लिखेंगे ओके इसको सिंपलीफाई किया अब इसका हमने बच्चों ले लिया एलसीएम। एलसीएम क्या होता है इसका हाँ जी दोनों टर्म का एलसीएम क्या कंप्लीट का 2 अंडर रूट एक्स ओके बच्चों 2 अंडर रूट एक्स। हाँ जी तो क्या 2x प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई आप यहां कर सकते हैं ओके तो 2x प्लस 3 एज इट इज रहेगा प्लस इसको मल्टीप्लाई क्रॉस ओके बच्चों इसकी 1 से किया तो यह सेम आया। अब इसकी से करेंगे सेकंड टर्म से 2 अंडर रूट एक्स की तो बच्चों 2 जा 4 और अंडर रूट एक्स की अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चा क्या आएगा हाँ जी तो क्या स्केयर है बच्चों नोट एक्स का स्केयर बन जाएगा और स्केयर से स्केयर रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है बच्चों तो 2x प्लस 3 प्लस 4x ओके बच्चों तो 2x प्लस 4x कितना हो जाएगा 6x प्लस में 3 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट एक्स। यहां से आप कॉमन ले सकते हैं 3 क्योंकि 3 टेल बाय 3 आता है 3 टेल बाय 6 क्या बच्चों तो टेकिंग आउट 3 कॉमन बिकॉज 3 इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6 तो 3 कॉमन लिया बच्चों यहां से 3 इनटू तो 3 टू जा 6 2x प्लस 3 बन जा 3 यानी कि 2x प्लस 1 3 इनटू 2x प्लस 1 डिवाइड बाय क्या 2 अंडर रूट एक्स दिस इज आवर आंसर बच्चों ऐसे निकालेंगे अपना आंसर को। हाँ जी अब पार्ट नंबर 2 को सोल्व करें यहाँ देखो दूसरा पार्ट और यहाँ बिल्कुल सेम इसी टाइप का है यहाँ पे बच्चों प्रोडक्ट फॉर्म यूज हो गया पर ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन इसको लेट y मान लिया बच्चों इस फंक्शन को प्रोडक्ट 2 फंक्शन को क्या मान लेंगे पूरे कंप्लीट का फंक्शन को y मान लेंगे बच्चों। हाँ जी dy/dx डायरेक्ट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx क्या होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ये मीनिंग होता है बच्चों इसका। हाँ जी तो क्या फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ये आपका फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करेंगे इसे आप सेकंड फंक्शन अज्यूम करेंगे बच्चों ओके। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन मतलब क्या यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन का मीनिंग है 1-2 tan x और सेकंड फंक्शन का मीनिंग क्या ले रहा हूं मैं यहाँ पर 5 प्लस में 4 sin x ठीक है बच्चों। तो करें यहाँ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इसका कोई डेरिवेटिव नहीं है ये सेम एज इट इज लिखा जाएगा मल्टीप्लाई डेरिवेटिव करेंगे सेकंड फंक्शन का क्या है सेकंड फंक्शन आपका 5 प्लस में 4 sin x और 5 का कांस्टेंट 0 बन जाएगा कांस्टेंट डायरेक्ट 0 होता है प्लस 4
साइन, साइन का डायरेटिव करता है, साइन का डायरेटिव होता है कोस, मैंने यहाँ लिखे बच्चों साइन का डायरेटिव करता है कोस क्या होता है, टन का क्या होता है, यहाँ भी यहाँ राइट कॉर्नर में आप पढ़ सकते हो बच्चों, सिक्स टी रेसेस होते हैं सभी के मैंने डायरेटिव यहाँ राइट कॉर्नर में लिख दिए, या आपने प्लस वन क्लास के अंदर भी जब आपने लिमिट डायरेटिव किया तो आपने लर्न किए होंगे बच्चों, उन्हीं को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे वन माइनस टू टेन एक्स कॉन्स्टेंट का जीरो बन जाएगा प्लस फोर साइन का डायरेटिव क्या होगा बच्चों कोस, तो एक कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट तो डायरेक्टली आगे लिखा जाता है, फोर क्या कोएफिशिएंट है sin x का, तो इसको डायरेक्टली आगे लेंगे। ओके बच्चों, और साइन का डायरेक्टिव बन जाएगा कोस, यानी और ये क्या है फाइव क्या जीरो, तो क्या बच्चों तो क्या बन गया इसका कुल मिला के बन जाएगा फोर कोस एक्स। ओके बच्चों, इसका डायरेक्ट क्या फोर कोस एक्स प्लस, अब आगे देखो, अब ये आपका जो बच्चों सेकंड फंक्शन है इट इज, अब डायरेक्ट करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, कांस्टेंट है वन क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट डायरेक्ट जीरो होता है माइनस टू, टेन टेन एक्स का डायरेक्ट क्या होता है, यहाँ देखिए टेन एक्स का डायरेक्ट होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। ओके बच्चों, तो यहाँ रहेंगे बच्चों क्योंकि आगे सिंपल माइनस का तो माइनस का लगा गए, क्योंकि क्योंकि फंक्शन माइनस का बच्चों, तो टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, टू क्यों है क्योंकि टू भी गिवन था कांस्टेंट बच्चों यहाँ पर। ओके, क्योंकि ये टू गिवन है और टेन एक्स का डायरेक्ट क्या होता है, यहाँ देखिए टेन एक्स का डायरेक्ट होता है ओनली सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसको सिंप्लीफाई किया बच्चों 4 cos x into 1 minus 2 tan x, फिर माइनस क्योंकि प्लस की माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है, माइनस 2 secant square x मल्टीप्लाई में क्या है into 5 plus 4 sin x, दिस इज आवर आंसर। ओके बच्चों, इस प्रकार से अपना u by v फॉर्म से या u v फॉर्म से, हम क्या इसको प्रोडक्ट फॉर्म से, u by v नहीं बच्चों क्यूजेट फॉर्म नहीं अप्लाई किया मैंने यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म या प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, u v फॉर्म मैंने यहां पर अप्लाई किया, क्यूजेट फॉर्म में हम आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम आपको क्यूजेट फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में हम आपको निकालना सिखाएंगे। उससे पहले बच्चों मैं आपको थोड़ा ही बता देता हूं, इसकी एक्सटेंशन है जो मैंने अभी आपको u v फॉर्म के बारे में बताया, प्रोडक्ट फॉर्म के बताया, हमारे पास थी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, अगर हमारे पास का हम जनरलाइज करें और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन चाहे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन दिए गए हो तो उसका डायरेटिव कैसे निकालेंगे। ओके बच्चों, तो थ्री मैक्सिमम हमारे पास थ्री दिए जा सकते हैं, थ्री ज्यादा नहीं होंगे बच्चों। हाँ जी, तो थ्री के लिए क्या है, अगर हमारे पास थ्री फंक्शन की प्रोडक्ट है तो उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, उसकी एक्सटेंशन क्या बनेगी यूवी की। हाँ जी, हाँ, तो इसको क्या तो बता रहा हूँ बच्चों, यू को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, यूवी को मानेंगे सेकंड फंक्शन। ओके बच्चों, एक बार फिर बता रहा हूँ, आप अपने माइंड में यू को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे और यूवी को सॉरी वी डब्ल्यू को आप सेकंड फंक्शन कंसिडर करेंगे। ओके, तो यू क्या आपका फर्स्ट फंक्शन और यूवी पेयर के अंदर इकट्ठा यू वी ये आपका सेकंड फंक्शन सॉरी यू वी डब्ल्यू यू फर्स्ट फंक्शन वी और डब्ल्यू सेकंड फंक्शन ये आपका रहेगा। तो करते हैं बिल्कुल सेम पहले की तरह यू वी फॉर्म की तरह होगा बिल्कुल बच्चों, u as it is derivative of sine function और sine function क्या आपका vw है vw plus अब sine function as it is यानी कि vw as it is derivative of first function आपका u। ओके बच्चों, इसको थोड़ा आगे और expand करें, यहाँ पर derivative निकाल के दिखाएंगे बच्चों इसका, u as it is या को u as it is बच्चों आप derivative से निकालना u vw का, तो vw क्या है u form लगी बच्चों इसमें प्रोडक्ट फॉर्मल अप्लाई करें यहाँ पर, ये क्या है डायरेक्टिव करना वी डब्ल्यू का, वी डब्ल्यू में दोबारा फिर भी सेम रिजल्ट रहेगा पहले वाला, वी एज इट इज डायरेवेटिव डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एज इट इज डायरेवेटिव वी प्लस अब आगे वी डब्ल्यू एज इट इज रहेगा डायरेवेटिव यू, इसको मल्टीप्लाई करें बच्चों ओके यू के साथ, तो यू वी डायरेवेटिव ऑफ डब्ल्यू प्लस फिर यू की डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे यू डब्ल्यू मल्टीप्लाई डायरेवेटिव ऑफ वी फिर प्लस VW derivative of U। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से तीन फंक्शन की जब प्रोडक्ट दी गई हो तो उसका डायरेक्टिव ऐसे में इस फॉर्मूले की हेल्प से ओके हम निकाल सकते हैं बच्चों जनरलाइज करके। ओके बच्चों, हाँ जी, एक बार फिर इसको रिपीट कर देता हूँ, जबकि सिक्स टी रेसेस होते हैं कोस क्या होता है बच्चों, कोस का होता है माइनस साइन एक्स, जहां भी देखो अगर हमारे मुंह से जो उच्चारण आता है को का, अगर को शब्द आता है समझ लो वहां पर आपने नेगेटिव सिंबल आप लगाएंगे, अगर को का उच्चारण नहीं आता है, को का जो जो साइट है हमारे पास नहीं आती बच्चों, ओके साइट क्या होता है उच्चारण होता है बच्चों सीआईटी, तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, तो उसके अगर पॉजिटिव का सिंबल डालेंगे। ओके बच्चों, जैसे को कोस को हमारे मुझसे को आया, को का मतलब क्या है माइनस का सिंबल आएगा और कोस का होता है साइन। ओके, इसीलिए मैं को का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के लिए ले रहा हूँ बच्चों, ओके और किसी चीज के लिए नहीं है, जहां भी हमारे मुझसे को आता है तो समझ लो उसके आगे हमने नेगेटिव का सिंबल डालना है बच्चों, और को नहीं आता तो फिर पॉजिटिव का सिंबल डालना है। फंक्शन क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, फंक्शन क्या बनेगा, तो को आया तो माइनस का साइन आएगा और कोस का होता है साइन एक्स, फिर साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स। ओके बच्चों, साइन का कोस का साइन, हाँ जी, देंगे टेन टेन एक्स का क्या बच्चों, क्योंकि यहाँ को नहीं है तो इसलिए यहाँ भी को नहीं था इसलिए पॉजिटिव का सिंबल आया, यहाँ भी को हमारे मुंह से नहीं निकलता टेन आता है, ओके तो यहाँ भी क्या पॉजिटिव सिंबल आएगा, साइन का कोस था और टेन का क्या बन जाएगा टेन का डायरेक्ट था सेकंड स्क्वायर एक्स। ओके, यहाँ हमने लर्न करने पड़ेंगे बच्चों टेन एक्स का क्या होता है सेकंड स्क्वायर एक्स। अब बच्चों हम यहाँ निकालेंगे सेकंड एक्स का, ओके बच्चों अब देखो आप सेकंड एक्स का डायरेक्ट क्या होता है सेकंड एक्स और टेन एक्स, सेकंड एक्स और टेन एक्स, उसके बाद फिर क्या बच्चों कोट एक्स का, कोट एक्स का डायरेक्ट क्या, क्योंकि हमारे मुझसे को आ को को
माइनस का सिंबल आएगा कोसेकेंट स्केयर एक्स बन जाएगा, और कोसेकेंट एक्स क्या होता है माइनस कोसेकेंट एक्स कोट एक्स आएगा। जिस प्रकार से सेकंड का क्या होता है सेकंड एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स होता है, उसी प्रकार कोसेकेंट का क्या आएगा माइनस कोसेकेंट एक्स और कोट एक्स। मैं आपको ये बात और बताना चाहता हूं बच्चों, ये डायरेक्टिव आपने डायरेक्ट लर्न करने पड़ेंगे, पर इनका डायरेक्टिव बना कैसे आया, कोस का डायरेक्टिव माइनस साइन एक्स क्यों आया है, साइन का डायरेक्ट कोस एक्स क्यों आया है, रिजल्ट कैसे बने ड्राइव, ये जो हमने जो आपको इससे पहले बिल्कुल ठीक आपको फर्स्ट प्रिंसिपल के जितने मैंने सम कराए बच्चों, तो आप इनको फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से वो सभी आप इनको आप प्रूव कर सकते हैं इस रिजल्ट को, क्योंकि ये जो सभी जो फॉर्मूले जो डायरेक्टिव बने हैं ये फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से ही बने हैं। इसको ड्राइव करने के लिए हमें फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प करनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि जितने मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर दिए थे फर्स्ट प्रिंसिपल के वो सभी के सभी डायरेवेटिव आपके फर्स्ट प्रिंसिपल से बच्चों। अब आपने क्या इनको डायरेक्ट आपने लर्न करना पड़ेगा, और ड्राइव अगर आप करेंगे तो फिर आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल की आपकी हेल्प लेनी पड़ेगी, विदाउट फर्स्ट प्रिंसिपल आप इनको प्रूव नहीं कर सकते। ओके बच्चों ठीक है, तो क्या इनको आपने डायरेक्ट लर्न करना है। ओके आप चाहे तो इनको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी इनको आप शो कर सकते हो, आप इनको ये दिखा सकते हो इसका डायरेक्टिव क्या आएगा। जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल निकालने की ट्राई करेंगे कोस का साइन का, तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो ऑटोमेटिक यही सेम आएगा बच्चों। ओके माइनस साइन एक्स आंसर आएगा, साइन का कोस आएगा, टेन का सेकंड स्क्वायर एक्स आएगा, सेकंड का सेकंड टेन एक्स आएगा, कोट का माइनस कोसेकंट स्क्वायर एक्स आएगा, कोसेकंट एक्स का माइनस कोसेकंट एक्स मल्टीप्लाई कोट एक्स आएगा। ओके जब आप इनका फर्स्ट प्रिंसिपल डायरेक्ट निकाल लेंगे तो शर्त यह क्या है इनका आंसर ये आएगा। ओके लेकिन हर बार हम क्या हर चीज के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते हर चीज को ड्राइव करने के लिए, तो हमें क्या जब ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे इन क्वेश्चनों को हमने विदाउट प्रिंसिपल से विदाउट फर्स्ट प्रिंसिपल करना है। जब हम विदाउट फर्स्ट प्रिंसिपल करेंगे तो फिर हमने इन रिजल्ट को डायरेक्ट यहाँ पर याद करना पड़ेगा। ओके बच्चों तो आपने इनको डायरेक्ट याद करना है इस फॉर्मूले को। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेटर वाई इज इक्वल टू टू इंटू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। यहाँ पर बच्चों इस क्वेश्चन के क्या क्वेश्चन फॉर्म हम अप्लाई करें यहाँ पर यू बाई वी फॉर्म अप्लाई करें यहाँ पर। ओके इसका फॉर्म लगता है डेरिवेटिव डीवाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करें यहाँ पर। ओके यू बाई वी फॉर्म यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन क्या बच्चों न्यूमरेटर आपका फर्स्ट फंक्शन है, डिनोमिनेटर आपका साइन फंक्शन कंसिडर किया जाएगा। ओके बच्चों तो साइन फंक्शन का क्या बच्चों यहाँ पर स्केयर हो जाए नीचे, ओके साइन फंक्शन का स्केयर फिर ऊपर क्या रहेगा बच्चों साइन फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन माइनस, इसमें माइनस बच्चों क्वेश्चन फॉर्म में माइनस का सिंबल आएगा और प्रोडक्ट फॉर्म में प्लस का सिंबल आता है। ओके बच्चों तो माइनस ये भी यहाँ क्या आएगा बच्चा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। हाँ जब डेरिवेटिव करें यहाँ पर तो अकॉर्डिंग टू रूल एक्स के प्लस टू एक्स माइनस थ्री इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या आपका टू, एक्स का होता है डेरिवेटिव वन, कॉन्स्टेंट का होता है जीरो, तो वन प्लस जीरो वन, टू वन जा टू तो आपका टू आएगा माइनस। अब जो क्या फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और टू एक्स वन जा टू एक्स और प्लस टू वन जा टू, तो मल्टीप्लाई करना होगा आपने डेरिवेटिव निकलना इसका केवल क्या करना मल्टीप्लाई करना है। ओके एक्सपेंड करके इनटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन तो एक्स क्या आएगा टू एक्स और टू एक्स का बच्चों टू क्योंकि एक्स कॉमन होता है टू वन जा टू और कॉन्स्टेंट का होता है जीरो तो इनके टू एक्स प्लस टू। हाँ जी और नीचे क्या बच्चों सेकंड फंक्शन का स्केयर एज पर रूल, उसके बाद क्या बच्चों उसको मल्टीप्लाई करना होगा सिंपलीफाई करना है मल्टीप्लाई करके टू एक्स के प्लस टू टू जा फोर एक्स माइनस टू थ्री जा सिक्स माइनस। हाँ बच्चों टू टू जा फोर एक्स स्क्वायर बच्चों एक्स एक्स तो क्या एक्स स्क्वायर आएगा लेकिन आगे निशान क्या बच्चों माइनस का तो इसे प्लस की होता है माइनस का साइन हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस बच्चों उसके बाद क्या देखो। हाँ जी हम क्या करें टू टू जा फोर कॉन्स्टेंट की कॉन्स्टेंट से क्या टू टू जा फोर प्लस का बच्चों आगे साइन माइनस का तो माइनस का फोर आएगा बच्चों फिर माइनस बच्चों। ओके हमारे पास क्या देखो हमारे पास है टू टू जा फोर और टू टू जा फोर एक्स फोर एक्स और फोर एक्स क्या होगा एट एक्स होता है बच्चों फोर एक्स प्लस फोर एक्स क्या होता है एट एक्स आगे साइन माइनस का तो माइनस का एट एक्स हो जाएगा। ओके डिवाइड बाई क्या बच्चों साइन फंक्शन का स्केयर, साइन फंक्शन क्या आपका एक्स स्केयर प्लस टू एक्स माइनस थ्री का स्केयर आप कह सकते हैं इज इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ बच्चों आपको पता है कि माइनस के दिखा माइनस के फोर एक्स के प्लस के टू एक्स के तो माइनस के दिखा तो माइनस का टू एक्स स्केयर आया फिर माइनस फोर एक्स यहाँ देखिए बच्चों क्योंकि माइनस के एट एक्स प्लस के फोर एक्स तो माइनस के दिखा माइनस के फोर एक्स बचेंगे फिर माइनस के टेन कैसे आए माइनस के सिक्स माइनस के फोर माइनस के टेन बन जाएंगे डिवाइड बाई सेकंड फंक्शन का स्केयर। सेकंड फंक्शन क्या है एक्स स्केयर प्लस टू एक्स माइनस थ्री का स्केयर बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब लेके बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर टू, लेट वाई इज इक्वल टू सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई सेकंड एक्स माइनस टेन एक्स इसमें बच्चों क्वेश्चन फॉर्म अप्लाई होगी। हाँ जी तो क्या होगा हाँ जी सेकंड फंक्शन का स्केयर सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकंड देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यहाँ बच्चों फर्स्ट फंक्शन क्या आपके पास एज इट इज डेरिवेटिव था सेकंड फंक्शन। हाँ जी अब इसको सोल्व करेंगे तो सिंपलीफाई करें बच्चों आगे रूल को अप्लाई करते हुए सेकंड एक्स माइनस टेन एक्स इंटू बच्चों सेकंड का डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड का डेरिवेटिव था सेकंड एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस बच्चों क्या अब आपका ये फर्स्ट
हाँ जी, अब आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव होगा सेकंड फंक्शन का बच्चों। हाँ जी, secant x का डेरिवेटिव secant x मल्टीप्लाई tan x और माइनस tan x का डेरिवेटिव का secant स्क्वायर x बच्चों की मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद जहां पर प्लस होता प्लस का साइन डालिए, जहां माइनस होता माइनस का साइन डालिए, यानी कि इसको सिंपलीफाई करना मल्टीप्लाई एंड एडिंग या सबट्रैक्टिंग वी गेट द रिजल्ट। तो यहां पर जो क्या करें, यहां देखें करने वाला secant x आपका कॉमन रहा। हाँ जी, यहां से क्या secant x कॉमन रहा, secant x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x, फिर लास्ट टर्म में क्या कॉमन आएगा, यहां भी secant x कॉमन आता है तो secant tan स्क्वायर x माइनस secant स्क्वायर x डिवाइड बाय sin फंक्शन का स्क्वायर। sin फंक्शन का मतलब क्या ले रहा हूं यहां पर, secant x माइनस tan x का स्क्वायर। बच्चों देखिए आपको पता है बच्चों, वी नो दैट, हम जानते हैं, हमने 10th क्लास में भी रिजल्ट याद किए होंगे कि secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। ये रिलेशन मतलब बच्चों secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर बच्चों इसको उल्टा करके लिखे यहां पर, पहले क्या tan स्क्वायर थीटा लिखे और बाद में secant स्क्वायर थीटा, यहां से माइनस कॉमन लेने से जब मैं माइनस का लेना तो प्लस वाला माइनस का बन जाएगा और माइनस वाला प्लस का बन जाएगा और माइनस का बन आएगा बच्चों, क्योंकि माइनस को ले लेंगे यहां पर, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई 1 माइनस सेकंड एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 क्यों आएगी, क्योंकि माइनस 1 कॉमन लूंगा तो सेकंड सेकंड से थीटा माइनस टेन से थीटा वैल्यू बन जाएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन आगे निशान माइनस का बच्चों, क्योंकि माइनस कॉमन लिया था तो माइनस 1 सेकंड एक्स और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, तो secant x plus secant x 2 secant x हो जाएगा डिवाइड बाय sin फंक्शन का स्क्वायर। sin फंक्शन क्या है, sin फंक्शन का मतलब है secant x minus tan x का स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर, इस प्रकार हम अपना आंसर निकाल देंगे। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों आज आपने इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, अधिक फिर ज्यादा हो जाएंगे बच्चों। ओके, तो आज के इतना बहुत बच्चों, थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।